गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं सब लोग। तो ये वीडियो आपकी एक डिफेक्ट ऑफ विज़न जिसका नाम होता है मायोपिया, उसके लिए बनाई गई है। अगर आपको मायोपिया के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और वो मायोपिया के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। क्या होता है मायोपिया, कैसे हो जाता है और आप इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। यानी इसमें क्या होता है, किसी पर्सन को पास का तो दिखाई देता है पर दूर का दिखाई नहीं देता है। यानी होगा क्या कि जो आपके लेंस हैं आंखों के अंदर, कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो उसकी कन्वर्जिंग पावर किसी भी वजह से बढ़ सकती है। तो यानी अगर उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है तो डॉक्टर क्या काम करेगा? डॉक्टर आपके चश्मे में एक ऐसा लेंस लगाएगा जिसकी डाइवर्जिंग पावर होती है। और डाइवर्जिंग पावर कौन से लेंस की होती है? कौन से? कॉनकेव लेंस की होती है। तो इसलिए डॉक्टर आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगाएगा? कॉनकेव लेंस लगाएगा, ताकि मायोपिया आपका करेक्ट हो सके। राइट राइट स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वॉट? मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच एन पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वाई वाई? क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइन जो लेंस हैं उनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई तो डॉक्टर को डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। और वो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, समझ गए स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका रिटर्न में भी आ सकता है। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही आपको जवाब मिलते रहेंगे आपके क्वेश्चंस के, ठीक है? सो पढ़ने की हैबिट बढ़ाइए एंड ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए हमेशा।